आपको बताऊंगा कि आप पैन कार्ड कैसे बनाएं, 2 से 3 से 4 दिन के अंदर उसके बारे में जानकारी दूंगा। और उससे पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके। तो आप चलते हैं, जो लिंक है इस लिंक से आपको पैन कार्ड बनाना है, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उस पर क्लिक करके इस पे जा सकते हैं। ये NSDL वेबसाइट की लिंक है, तो यहाँ पे आप पैन कार्ड बना सकते हैं, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 3 से 4 दिन में पैन कार्ड आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए न्यू पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं, फिर कैटेगरी में इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए टाइटल डाल दिया। अब यहाँ पर अपना नाम डालते हैं, मैं अपना नाम डाल देता हूँ। आपको बस यही डालना है, आगे कुछ नहीं डालना है। और आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, मैं डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ। ये डेट ऑफ बर्थ डाल दी। अब मुझे यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस डाल दिया। अब मोबाइल नंबर डालते हैं, अब ये एक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कैप्सा कोड है, इसको डाल देते हैं, बहुत ही आसान है। ये देखिए मैंने कैप्सा कोड डाल दिया, अब सबमिट करते हैं। तो आप सबमिट करोगे तो आपको ये देखिए यहाँ पर एक टोकन नंबर मिल जाएगा, और फिर आपका इस पे टेम्प्रेरी टोकन नंबर आपका मिल गया है। अब कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे इतने सारे स्टेप मिलेंगे। 5 स्टेप को आप कंप्लीट करके अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। पहले में आपको पर्सनल डिटेल डालनी है, फिर आपको कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल डालनी है, फिर आपको ये AO कोड डालना है, फिर डॉक्यूमेंट डिटेल्स डालकर आपको सबमिट करना है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे सारी जानकारी डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं। आपको और भी यहाँ पे जानकारी एंटर करनी होगी, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आगे बढ़ के आप ये सब जानकारी डाल दें। आपको यहाँ पे टोकन मिल गया है, टेम्प्रेरी टोकन। इस तरीके से आप अपना पैन कार्ड यहाँ से अप्लाई कीजिए, onlineservice.nsdl.com ये वेबसाइट है, और मैंने ये लिंक दिया है इसका अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप क्लिक करके अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।